पर अपना पूरा खर्चा करें। और अभी चौहान जनरल सेक्रेटरी फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन में वाराणसी में क्या आयोजन होने जा रहा है? वाराणसी में ऑल इंडिया जोनल दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप होगी जिसमें ये 5 टीमें भाग लेंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन की टीम। ये कहाँ पे है? ये सिजरा स्टेडियम में हो रहा है, एक DAV के क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है, दो जगह पर यह खेला जाएगा। और अभी आप लोगों ने बताया कि अभी आपके साथ जो प्लेयर्स थे उन्होंने विदेश में जाके हमारी इंडियन टीम को सिखाया, उसके बारे में कुछ पता है क्या वो प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेले थे? देखिए मैं बताऊं, भारत के अंदर ये जो क्रिकेट है ये टेनिस बॉल से खेला जाता था, लेकिन हमारी एसोसिएशन 2012 में गठन हुआ और गुरदास रावत यहाँ बैठे हैं, उनकी कप्तानी के अंदर हमने पहला दौरा किया पाकिस्तान का और पाकिस्तान को हमारे इन खिलाड़ियों ने 5-0 से हराया। तो वहाँ से कारवां रुका नहीं, बढ़ता ही चला गया। हम साउथ अफ्रीका गए, बांग्लादेश गए, अफगानिस्तान गए और उसके बाद जो है 2019 में हमने वर्ल्ड सीरीज भी जीती जो कि इंग्लैंड में आयोजित की गई। सर बात की जाए तो कहाँ कहाँ से टीमें आ रही हैं? ये हमने पूरे भारत से जो हमारे 26 स्टेट हैं वहाँ से जो एक्सीलेंट खिलाड़ी हैं उनसे चुनी हुई ये 5 टीमें बनाई हैं। कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले? ये 15 खिलाड़ी हैं एक टीम में, 75 के करीब खिलाड़ी हैं। ठीक। और इंडिया जूनियर दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी है और उद्देश्य क्या है इसका? कोई भी काम करते मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये है कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में जोड़े, उनको आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर बनाना उनको बहुत जरूरी है, उनकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, उनकी कुछ पेंशन योजना शुरू की जाए। देखिए क्या होता है कि जो दिव्यांगजन है, किसी का एक हाथ किसी का एक पैर कुछ गड़बड़ है तो मैच खेलने में आशंका रहती है कि कौन फूट न जाए, तो सिक्योरिटी पर्पज से इनके लिए एक संस्था जो है हम लोग की संस्था उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर क्रिकेट ने एक पेंशन योजना शुरू की है और 550 रुपये इनको मिलता है पर मंथ। लेकिन जितने भी 200 खिलाड़ी हैं लगभग, तो उनको भी ये पेंशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात की जो हुए भारत को विश्व चैंपियन का कप दिलाया था, ये सबसे बड़ी बात गरिमा की है कि एक भी मैच नहीं हारते हुए भारत को विश्व विजेता बनाया था। विक्रांत केनी जी प्लीज कम ऑन टू द स्टेज, आपके लिए क्लैपिंग, आपने हमारे देश का नाम। अरे आपको बोलना है, हम यही खड़े रहे। हमारी सीए जमुना शुक्ला मैडम बैठी हैं, हमें 11 बजे बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी भी होंगे। इसके बाद आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब मनोज श्रीवास्तव सर इस एसोसिएशन के उपलब्धियां के बारे में बतलाएंगे। मनोज सर सभी को नमस्कार, वंदे मातरम कर लेंगे सर। नॉर्थ जोन के कैप्टन बिल्कुल हमारे दाएं के फर्स्ट में बैठे हैं गुरुदास रावत, वेस्ट जोन के कैप्टन और इंडिया के भी कैप्टन हैं, उसके बगल में तुषार पाल ईस्ट जोन के कैप्टन हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं और वो जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, और वो सौराष्ट्र से गुरुदास रावत आए हैं। बीच में बैठे हमारे प्रेसिडेंट मनोज श्रीवास्तव सर हैं और बीच में रवि चौहान भारत के सेक्रेटरी हैं दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के, जो इन्होंने वर्ल्ड कप विजेता